Good morning, students. Myself Chaudhary Kamala. In your 4th standard English subject, we already finished up to our chapter number 19 in our previous videos. Now today we have to start our chapter number 20. So chapter number 20 is Eating Together. Now it's part 1. Today we have to start. Now, first of all, here you have to give one of the class story in your Eating Together part 1. First of all, here you have to give one class party. The school reopened today after the vacations. Vacations के बाद जो vacation मिला था उसके बाद फिर से आज school क्या हुई है, reopen हुई है. The children shared news about how they spent their holidays. जो बच्चे थे वो क्या करते थे, बातें कर रहे थे, miss share कर रहे थे उनके जो news थे कि उन्होंने उनकी हॉलीडेज कैसे निकाली, वेकेशन उन्होंने कैसे स्पेंड किया, वो सब डिस्कशन सब कर रहे थे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे थे. व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स, ऐसा मीना आस्क आरती. मीना ने आरती से पूछा कि तूने मेहंदी अपने हाथों में कब लगवाई थी. तो एट माई अंकल्स वेडिंग आरती से, आरती ने बोला मेरे अंकल के मैरिज में. You must have had a lot of fun at the wedding. You must, आरती ने क्या बोला कि मेरे अंकल के मैरिज में वेडिंग में मैंने लगवाई थी, बट फिर से बोला कि you must have had a lot of fun at the wedding, David said. David ने बोला कि तूने बहुत ज़्यादा enjoy means fun किया होगा अंकल के मैरिज में. So, oh yes, I enjoyed the wedding feast the most. एन्जॉय उसने आरती ने किया जो वो उसने बताया. एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजिन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. उसने क्या बोला कि जो खाने की चीज़ें थी उसमें मैंने वेडिंग फीस्ट था उसमें उसको सबसे ज़्यादा एन्जॉय मिला. आरती ने ऐसे बताया, एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजिन्स, कजिन्स के साथ फन करने में, एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. और जो बाकी सब रिलेटिव थे वो भी क्या करते थे, एक साथ खाते थे और सब कुछ काम भी करते थे. आरती सेड, व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन वैकेशन. आरती ने बोला कि हम आरती ने ऐसे बोला कि हम लोग सब लोग साथ में खाते थे और एन्जॉय भी करते थे, काम भी साथ में करते थे. बट फिर से बोला, व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन वैक स्कूल, लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टूगेदर. रेहाना ने पूछा ऐसे कि हम ऐसा कुछ जो साथ में मिलके खाने का प्रोग्राम बना या जो वेडिंग में आपने किया वैसा हम स्कूल में क्यों नहीं कर सकते. लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर, हम सब लोग साथ में मिलके वहाँ पे भी फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. आई हैव एन आइडिया, डेविड ने बोला. डेविड ने क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है. व्हाई डोंट वी हैव ए क्लास पार्टी, हम लोग क्यों ना क्लास पार्टी कर लें. Then we can also eat and have fun together. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि साथ में खा भी सकते हैं और enjoy भी कर सकते हैं, fun भी कर सकते हैं. We have parties in our colony whenever there is a festival. हमारी पार्ट जो कॉलोनी है वहाँ पर क्या होती है, पार्टी होती है कोई भी फेस्टिवल होता है तभी. एंड वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरी वन फॉर दी पार्टी, और हम लोग क्या करते हैं सबको साथ मिला के सब लोग अपने जो मनी होते हैं वो कलेक्शन करके पार्टी में देते हैं. We cook some dishes and buy other things from the market. थोड़ी बहुत dishes अपने आप मिस बनाते हैं घर पे और थोड़ी बहुत हम मंगवाते हैं मार्केट में से, रेहाना ने ऐसे बोला. Now page number 167. On that page you have to given here. Rina said we don't need a festival to have a party. रीना ने क्या बोला, हमें कोई festival party करने के लिए नहीं चाहिए. Saturday is half day. सैटरडे क्या है, हाफ डे है, आधा दिन है. वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी ध्यान, उसके बाद हम पार्टी का अरेंजमेंट कर सकते हैं. एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच कुड ब्रिंग फॉर द पार्टी, सब ने डिसाइड किया कि हमें क्लास की पार्टी के लिए क्या क्या चीज़ें लानी है. ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एन्जॉय देयर पार्टी, सैटरडे को बच्चे सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करेंगे. देयर वॉज सो मच वेराइटी इन फूड, बहुत ज़्यादा वैरायटी उन्होंने रखी थी खाने के लिए भी. दे प्लेड सो मैनी गेम्स, वहाँ पर उन्हें बहुत सारी गेम उन्होंने खेली थी. एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स्ड, सब लोग बहुत ही रिलैक्स थे. देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू, वहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग का प्रोग्राम भी रखा था. दे डिसाइडेड दैट
दे वुड हैव सच ए पार्टी अगेन, और उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि ऐसी पार्टी हम फिर से भी दोबारा करेंगे. नाउ राइट इन योर नोट बुक दैट थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम नोट बुक. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर पेज नंबर 167. डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स, आपको दूसरों के साथ खाना अच्छा लगता है? तो यस आई डू लाइक टू ईट विथ अदर्स, तो हाँ मुझे दूसरों के साथ खाना अच्छा लगता है. ऑन वॉट ओकेजन्स डू यू ईट टूगेदर विथ योर फ्रेंड्स, कौन से ओकेजन पे आप फ्रेंड के साथ खाते हैं? तो वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस, जब हम कोई सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल का या तो फिर कोई फंक्शन हम करते हैं तभी हम फ्रेंड्स के साथ मिलके खाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड ए पार्टी इन योर क्लास, आपने कोई दिन अपने क्लास में पार्टी की है? व्हेन, कब की है? एंड व्हाट ऑल डिड यू डू अरेंज ए पार्टी, और आपने कैसे अरेंज की है? तो यस वी हैड सेवरल पार्टीज इन अवर क्लास, हम लोगों ने वो ऐसे कुछ पार्टीज की है क्लास में. द पार्टी वॉज ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जब इंडिपेंडेंस डे होता है तभी हम लोग ऐसी पार्टी हमने की थी. वी अरेंज्ड ए कुक, हमने क्या किया था? कुक को अरेंज किया था. इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड, जो फूड लाना था उसके लिए सब इंग्रेडिएंट्स लाए थे. स्पार्कल, जो स्पार्कल लाइट आती है वो वाली लाई थी. इनविटेशन कार्ड्स लाए थे. ड्रॉपिंग दी गेस्ट एंड व्हीकल्स फॉर पिकिंग, गेस्ट को लाने के लिए और व्हीकल उनको ले जाने के लिए भी अरेंजमेंट ऐसा कुछ हमने किया था. नेक्स्ट योर फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी, आपने और अपने फ्रेंड्स ने क्या लाया था? तो वी ब्रॉट बलून्स, फ्लैग्स, स्पार्कल पाउडर एट्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें हमने लाई थी. व्हाट ऑल डिड यू ईट, आप लोगों ने क्या खाया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड स्नैक्स एंड देन वी हैड लंच, पहले हमने नाश्ता किया और फिर हमने लंच लिया था. इन स्नैक्स, तो नाश्ते में क्या लिया? तो वी ऐड केक्स एंड इन लंच, नाश्ते में हमने केक कट की थी और लंच में क्या लिया? तो वी ऐड पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी एंड स्वीट, ऐसा कुछ हमने पार्टी, जो लंच पार्टी थी उसमें हमने खाया था. नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, वही सब कंटिन्यू पेज नंबर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. योर क्वेश्चन नंबर 6, योर 6 क्वेश्चन इज देयर. तो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है इधर? तो हु वेयर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी, तो आपने अपने पार्टीज में कौन से मेंबर को इन्वाइट किए थे, मीन्स कौन से लोगों को इन्वाइट किए थे? तो ऑल दी पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑफ ऑल दी टीचर्स, सभी टीचर की फैमिली एंड पेरेंट्स को हमने इन्वाइट किए थे. वेयर देयर सम पीपल हु वर्क इन अवर स्कूल हुम यू कुड नॉट इन्वाइट, हु वेयर दिस पीपल, तो कौन से लोग थे जो लोग स्कूल में काम करते थे जिनको आपने इन्वाइट नहीं किया था? तो नो, ऑल दी पीपल हु वर्क इन अवर स्कूल वेयर इन्वाइटेड, जो भी स्कूल में काम करता था सबको हमने इन्वाइट किया था. डिड यू वेयर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी, तो आपने कोई स्पेशल ड्रेस पहना था पार्टी के लिए? तो यस वी ऑल वेयर पार्टी ड्रेसेस, जो पार्टी ड्रेसेस आता है वो हम सब ने पहना था. नेक्स्ट है पेज नंबर 168 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू मेक द पार्टी ग्रेटर फन फॉर एवरीवन, डिस्कस. तो ऐसा कौन सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी पार्टी थोड़ी मींस ग्रेटर पार्ट फन हो जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वेर संग टू पे होमेज टू द मार्टिस एंड देन ए प्ले वॉज स्टेज्ड, ऐसा कुछ हमने अरेंजमेंट किया था जो कि जो देशभक्ति के सॉन्ग थे वो किसी ने गाए थे एंड इसके बाद स्टेज पे थोड़ा बहुत प्रोग्राम किया, वो हमारा बहुत ही उसमें ज़्यादा फन मिला था. नेक्स्ट पेज नंबर 168 पे आपको सेलिब्रेटिंग बिहू का इधर आपको कुछ पैराग्राफ एक दिया है, मीन्स स्टोरी जैसा कुछ आपको दिया है उसके बारे में या इन्फॉर्मेशन. सोनमोनी वॉक अप अर्ली रेन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड मजानी, ये क्या है? सेलिब्रेटिंग बिहू का सेलिब्रेशन के बारे में आपको दिया है. तो सोनमोनी वॉक अप अर्ली, सोनमोनी बहुत ही जल्दी उठ गई एंड रेन टू मीट हर फ्रेंड्स, वो जल्दी से भाग गई अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए. कौन से फ्रेंड्स थे? तो तनवीर, फातिमा एंड मजानी. टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम, आज आसाम में स्पेशल डे है. द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, आज न्यू राइस क्रॉप है उनका हार्वेस्ट हुआ है. द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, और सब लोग मिलके क्या करते हैं आज? बिहू का सेलिब्रेशन करते हैं. द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैट हैप्पी एज दे मेड बेलागार फ्रॉम बम्बू,
वो ऐसा बेलाघर बनाते हैं बम्बू में से, और वो लोग उसमें गाते हैं और हैप्पीली वो सब चैटिंग करते हैं। सोन मॉर्निंग लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू, उन्होंने बिहू कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में आपको दिया है। तो सोन मॉर्निंग ने बोला, हरी अप वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेलाघर ऑफ ग्रास एंड बम्बू बिफोर दी फिस्ट टू नाइट, आज रात को हमें जब खाना है उससे पहले हमें क्या बनाना है, बेलाघर बनाना है, ऐसा बेलाघर बना दे वो हमें बनाना है। तन्वी ने बोला, यस टुडे इज उरुका, आज उरुका है, द होल विलेज विल ईट टूगेदर, आज सब पूरा गांव एक साथ मिलके खाएगा। सोनमोनी ने बोला, यस एवरी वन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय दी बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है मनी कलेक्ट करके क्या लाने के लिए, तो बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स। दे ऑल्सो अरेंज्ड वुड फॉर मेजी, उन्होंने वुड भी कट करके रखे हैं मेजी के लिए। हरिया एंड भरिया हैव नॉट गिवन मनी, ये दोनों ने जो हरिया है और भरिया है दोनों ने मनी नहीं दी है, बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल दी वर्क, बट वो दोनों सभी कामों में मदद कर रहे हैं। फातिमा ने बोला, वॉट अबाउट द मीट फिश एंड वेजिटेबल्स, मीट फिश एंड वेजिटेबल के लिए क्या किया है। तो सोनमोनी ने बोला, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स, कोई लोग इसमें से कई लोग गए हैं मार्केट में जो ये सारी चीज़ें लाने के लिए। द बोरा राइस हैज़ बीन सॉफ्ट, जो बोरा राइस है उसको भिगो दिया है। द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पीठा, पीठा बनाने के लिए पूरा गाँव क्या है, बिजी है। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटेटोज, कई लोग कुकिंग कर रहे हो तो कई लोग क्या करते हैं, स्वीट पोटेटोज जो आते हैं उसको रोस्टिंग करते हैं, शक्कर ये जो आते हैं वो वाले। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, कई लोग रात का खाना जो सर्व करना है उसमें हेल्प करेंगे। इन द इवनिंग एवरी वन विल बी सर्व टी एंड पीठा, इवनिंग में सब लोग टी एंड पीठा को सर्व करेंगे। तन्वी ने बोला, आई एम वेटिंग टू ईट दी चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फिस्ट, आई रियली लव इट, तन्वीर को क्या अच्छा लगता है, जो चेवा राइस आता है वो उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या बोलते हैं, मैं इसका वेट कर रही हूँ खाने का, जब वो मिलेगा उसमें वो उसको मिलेगा। फातिमा ने बोला, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, चेवा राइस कैसे प्रिपेयर होता है। तो सोनमोनी ने बोला, दे विल बी लाइट ए फायर, वो लोग फायर लगाएंगे मीन्स आग जलाएंगे, एंड बॉयल द वाटर इन द बिग टाउ, और यू कैन से ये बिग वेसल, एक बड़ा सा वेसल लेके उसमें वो क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। ऑन दिस वेसल दे विल पुट दी खडाई, वो वेसल के ऊपर वो लोग क्या रखेंगे, दे विल पुट दी कढ़ाई, ऑन दिस वेसल वो वेसल के ऊपर वो लोग कढ़ाई रखेंगे। कंटेनिंग सॉक्ड राइस एंड कवर इट विथ बनाना लीव्स, उसके ऊपर क्या रखेंगे, वो कढ़ाई में क्या रखेंगे, जिसके अंदर आपने राइस भिगोए थे वो वाली कढ़ाई रखेंगे, और उसको कवर किससे करेंगे, तो बनाना के पत्तों से। After some time the cheva rice will be cooked and ready to eat. थोड़े देर के बाद ही क्या होगा, चेवा राइस रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। Now let us talk question answer some notebook में से देखते हैं। So page number 169 your first question is there, where is the festival of Bihu celebrated, Bihu festival कौन से कहाँ पे celebrate होता है। So बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम, आसाम में वो सेलिब्रेशन करते हैं वो लोग। विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टूगेदर विथ अदर फैमिलीज, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कौन से ऐसे फेस्टिवल है जो आप दूसरों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो वी सेलिब्रेट होली, दशहरा, ईद, दीपावली एट्सेट्रा टूगेदर विथ अदर फैमिलीज, दूसरी फैमिली के साथ मिलकर हम कौन से त्यौहार मनाते हैं, तो होली, दशहरा, ईद एंड दीपावली, और ऐसे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं, बट हमने ओनली फोर एग्जाम्पल लिए। Does everyone cook and eat together on such festivals? आपका question क्या है, उस दिन सब लोग मिलके खाना बनाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। What are some special dishes that are cooked? उसमें से कौन से special dish है वो जो पकाते हैं उसमें से, and how they cook? How are they cooked? और वो कैसे पकाते हैं। So we celebrate, third question है, no बट ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स टूगेदर, हम सब लोग साथ में मिलके उस जो होली होता है, दशहरा होता है, उस त्यौहार में ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ में मिलके खाना पकाए, या फिर उस दिन हम खाना पका के मीन्स ऐसे भी त्यौहार होते हैं जैसे कि सब फैमिली के साथ हम मिलके खाते नहीं हैं, बट उसमें हम एन्जॉय कर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि नो सभी त्यौहार में ऐसा नहीं होता है,
बट ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स टूगेदर, बट सेलिब्रेशन जो होता है फेस्टिवल का वो हम सब साथ में मिल के करते हैं। बस ऐसे कौन से डिश है जो सब लोग साथ में, स्पेशल डिश होती है जो उस त्यौहार को बनाते हैं? तो पुआ, गजिया एंड दही भल्ले ऑन ईव ऑफ होली। होली जो होता है उस दिन वो लोग क्या बनाते हैं? तो पुआ बनाते हैं, गजिया बनाते हैं एंड दही भल्ले बनाते हैं। एंड पुआ कैसे बनता है? तो पुआ इज कुक्ड बाय फ्राइंग मैदा। कैसे बनाता है? तो कुक्ड बाय फ्राइंग मैदा इन लॉट ऑफ ऑयल। जो मैदा होता है उसको फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर, वैसे वो पुआ बनाते हैं। नेक्स्ट है, आर सम स्पेशल वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग दिस आइटम्स एंड व्हाट आर दे? तो कुछ स्पेशल वेसल्स यूज करते हैं? तो यस, स्पेशल टाइप ऑफ कढ़ाई विच इज मेड ऑफ आयरन इज यूज्ड टू कुक पुआ। पुआ बनाने के लिए स्पेशल टाइप की जो कढ़ाई आती है जिसका यूज वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड? कौन सा बड़ा सा वेसल है जिसका यूज होता है वहाँ पे? कैन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट एंड कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुक्ड इन ईट एट वन टाइम? उसका आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है और आप उसमें गेस कर सकते हो कि उसमें कितने लोग मिलके एक साथ खा सकते हैं। उसमें अगर हम एक बार पकाए वो चीज़ कितने लोग खा पाएंगे? तो बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल इज ए बिग कढ़ाई, जो बड़ी सी कढ़ाई है जिसका हम यूज करते हैं। एंड यस आई थिंक वहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कौन क्या गेस करते हैं। तो आई थिंक मोर देन 100 पीपल कैन ईट वेजिटेबल दैट इज कुक्ड इन ईट एट वन टाइम। अगर उसमें हम एक बार पकाएंगे तो उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मिलके वो खा सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट पेज नंबर 170 वी हैव टू स्टार्ट इन योर पार्ट नंबर 2। थैंक यू।